कल की नोट लेके आ गए, हम आगे पढ़ रहे हैं। गुजरात का जो हमने कल पढ़ा था, आज मुंबई महाराष्ट्र से पढ़ेंगे। तो बॉम्बे के शिवाजी पार्क के करीब 70 से 75 हजार से 80 हजार का विशाल संगठन हुआ। अच्छा, मुबारक तो मिल गई। बाप दादा दोनों को बहुत बहुत महाराष्ट्र, बॉम्बे, आंध्र प्रदेश, सभी को सर्व ब्राह्मण परिवार की तरफ से और बाप दादा की तरफ से गुजरात और महाराष्ट्र को दिल की बहुत बहुत दुआएं हो। यह दिल की दुआएं सदा दिल में उमंग उत्साह बढ़ाती रहेंगी। ठीक है ना पांडु? सभी बहुत अच्छी सेवा की, सबके सहयोग से लाखों का प्रोग्राम सफल हुआ। अच्छा, बिजनेस इंडस्ट्री वर्ग, इससे बाबा बात कर रहे हैं। बाप दादा बिजनेस वर्ग वालों को विशेष संकल्प दे रहे हैं, क्योंकि बिजनेस वालों के पास ग्राहक तो लेने के लिए आते ही हैं। आपको जाना नहीं पड़ता है, आते ही हैं। तो जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, उन्हों को कम से कम संदेश देते रहो। हर एक बिजनेस या इंडस्ट्री वाले ने अपना अपना कार्ड छपाया हुआ है, जिसमें अच्छे से अच्छा शार्ट में ज्ञान का स्लोगन हो, एड्रेस हो और दो शब्दों में निमंत्रण हो। ऐसे सबने अपना अपना कार्ड छपाया है। जिसने छपाया है वह हाथ उठाओ। इतनों ने छपाया ही नहीं है। बिजनेस वाले तो घर बैठे सेवा कर सकते हैं। उलहना नहीं तो नहीं देंगे ना कि हम ग्राहक बनकर आपके पास आए, हमको संदेश भी नहीं दिया, तो कार्ड जरूर छपाना। ऐसा सुंदर कार्ड छपाना जो वेस्ट पेपर बॉक्स में कोई डाले नहीं, संभाल के रखे। और बिजनेसमैन को सौदा कराना तो बहुत अच्छा आता है ना। बिजनेसमैन वह अच्छा है जो कोई भी ग्राहक को सौदे के बिना वापस नहीं भेजे। तो आप भगवान से सौदा नहीं कराते हो, सिर्फ कपड़े का और चीजों का कराते हो। बिजनेसमैन बहुत ही आत्माओं को सहयोगी बना सकते हो और सहयोगी से धीरे धीरे योगी भी बन जाएंगे। तो सहयोगी की लिस्ट हर एक को इस वर्ष में बनानी है। हर एक बिजनेसमैन ने कितनी आत्माओं को संदेश दिया, कितनी आत्माओं को सहयोगी बनाया, कितनी आत्माओं को सहज योगी बनाया। ठीक है, करेंगे। दादी कहती है ना, संख्या बढ़ाओ तो हर एक बिजनेसमैन भी संख्या बढ़ा सकता है। ठीक है ना? अभी बाप दादा भी रिजल्ट देखेंगे। ऐसे नहीं सोचना, बाप दादा को पता क्या पड़ेगा। बाप दादा देखता है, वतन में बैठ कर भी देख सकता है, पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिजनेस वाले कमाल करेंगे ना। जो अच्छा काम करते हैं तो उनके लिए कहते हैं मुख में गुलाब, और बाप दादा कहते हैं बिजनेसमैन के मुख में गुलाब जामुन पड़ गया मुख में। अच्छा जी बाबा, स्पोर्ट विंग में खेलकूद प्रभाग से बाबा बात करें। खेलकूद भी चाहिए जरूर। आप कौन सा खेल कराते हो? खेल देखते हो या कराते भी हो? देखते तो सभी हैं, आजकल तो सभी देखने में मशगूल मगन रहते हैं। बाप दादा को पता है, अच्छा यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल आत्माओं में टेंशन बहुत है, तो खेल कूद भी चाहिए ना। बाप दादा ने सुना कि फॉरेन में एक बच्चे ने बच्चों के लिए खेल बहुत अच्छा बनाया है। किसने बनाया है? बाप दादा को समाचार मिला और बाप दादा को पसंद आया है। सभी को दिखाना, तो खेल कूद डिपार्टमेंट एक इसकी इन्वेंशन देख करके ऐसी कोई इन्वेंशन निकालो जिसमें खेल का खेल हो और ज्ञान का ज्ञान हो। चाहे कोई कोर्स कराओ तो भी खेल में, अच्छी इन्वेंशन है, मुबारक हो। तो ऐसा कोई रमणीक प्रोग्राम बनाओ। भाषण तो सभी ने बहुत सुने हैं ना, लेकिन ऐसी कोई चीज, कोई नई चीज निकालो जो न चाहते हुए भी लोग आवे और आप के भाई बहन जाग जामे। बाकी अच्छा है, प्लान बनाते रहते हो, मीटिंग करते रहते हो। दादा को यह बच्चों का प्लान अच्छा लगता है, तो
तो इस वर्ष में ऐसे कोई चीज बनाना जैसे बाप दादा को याद है जब पहले मेले करते थे, उसमें भी ऐसी ऐसी चीजें रखते थे जो लोग स्वतः ही एक दो को भेजते थे कि आप भी जाके देखो, तो ऐसी इन्वेंशन निकालना, ठीक है ना। इसके इंचार्ज सस्सी बहन है, फिर तो होशियार है, करेंगे। अच्छा मुबारक हो। अभी बाबा एजुकेशन विंग से बात कर रहे हैं, एजुकेशन का महत्व है इसलिए गवर्नमेंट भी एजुकेशन की तरफ बहुत रुचि रख रही है। तो आप सभी भी ने मिलकर एजुकेशन के प्रोग्राम किए भी हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन और भी आगे बढ़ाते चलना, इस वर्ग से भी बहुत आत्माएं निकल सकती हैं। अच्छा विदेश के 125 भाई बहन ने मीटिंग के लिए आए हैं, तो क्या कमाल करेंगे, इतने सभी बाप दादा के सिकलधे सर्विसेबल इकट्ठे होंगे तो क्या या क्या जलवा दिखाएंगे, कोई नवीनता करेंगे ना। अच्छा है सभी मिलकर ऐसा कोई ज्वाला रूप प्रोग्राम बनाओ, साधारण प्लेन नहीं ज्वाला रूप प्लेन बनाओ, एक तो सब ज्वाला रूप हो जाए बन जाए, स्व में ज्वाला स्वरूप और सेवा में ऐसे इन्वेंशन निकालो जो शॉर्टकट हो, क्योंकि आजकल के समय अनुसार लोगों को सबसे बड़ी समस्या समय निकालने की है। तो ऐसा कोई प्लेन बनाओ, चाहे वृत्ति हो चाहे दृष्टि हो चाहे वाइब्रेशन हो, थोड़े समय में वह समझ जाए कि यहाँ से ही कुछ मिल सकता है। चुंबक जैसी सेवा का प्लान बनाओ, जैसे चुंबक से कोई हटने चाहते हैं तो भी नहीं हटते हैं, दूर से ही समीप आ जाते हैं, ऐसे नया प्लेन बनाओ। डबल विदेशी है ना, और आपके निमित्त बनी हुई दादी या दीदियां, आपकी दीदियां और दादियां सभी होशियार हैं, पांडव भी कम नहीं है, देखो यहाँ 5 पांडव खड़े हैं। तो 5 पांडव ने क्या किया था, अक्षौणी सेना को खत्म कर दिया, तो पांडव भी कम नहीं है, एक एक पांडव महान है, तो करेंगे ना कमाल। कैसे भी बनाओ, चाहे वृत्ति से चाहे दृष्टि से चाहे दृढ़ संकल्प से कोई प्लेन बनाना, दादियां दीदियां ठीक है ना। डबल फॉरेनर्स इंडिया की टीचर्स से कम नहीं है, बहुत संख्या है, फिर तो कमाल हुई पड़ी है। अच्छा है आप पहले प्लेन निकालना, फिर इंडिया की जो मीटिंग होगी वह उस प्लेन में रत्न जड़ित भरेगी। आप घाट बनाना, उसमें हीरा मोती इंडिया के मीटिंग वाले लगाएंगे, लगाएंगे ना मीटिंग में लगाएंगे। मुबारक हो, बाप दादा साकार रूप में सामने अभी अभी देख खुश हो रहे हैं, फॉरेन में इतने तैयार हो गए हैं, देखो सभी को बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है, सभी ने देखो कितने टीचर्स तैयार हो गए हैं, वह भी विशेष टीचर्स हैं, दूसरे तो बहुत हैं। तो बाप दादा डबल विदेशी सेवाधारी बच्चों को देख बहुत 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 खुश हैं, यह समझते हैं हम क्यों ताली बजाएं, दूसरे बजाए ना, मुबारक तो आप लोग देंगे ना, सभी ने तालियां बजाई, अच्छा किया, खूब ताली बजाओ। 76 देशों के डबल विदेशी आए हुए हैं, कुमारों की रिट्रीट भी चली, कुमारों ने निशानी अच्छी लगाई है, यूथ ग्रुप ने कोई नया प्लान बनाया है या अभी सोच रहे हो, आप भी ब्राह्मण परिवार से ब्राह्मण संसार का वर्ल्ड कप लो। अभी दिल्ली वालों ने यूथ के प्रोग्राम का प्लान नहीं बनाया है, दिल्ली वाले उठो, दिल्ली वालों को वर्ल्ड के कुमारों को यूथ को इकट्ठा कर चुन करके और ब्राह्मण संसार से वर्ल्ड कप दिलाना है, करना है ना, हिम्मत है ना, प्लेन बनाना, बना सकते हो ना। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट यूथ के फेवर में है, अभी वर्तमान समय वर्ल्ड में एक क्रिकेट का खेल नहीं कहते हैं, लेकिन और खेल चल रहा है, एक तरफ है हलचल और दूसरे तरफ है अचल,
तो अभी दोनों का फुल फोर्स है, हलचल का भी फोर्स है तो अचल स्थिति वालों का भी फोर्स है। इसलिए वायुमंडल प्रमाण फायदा उठा सकते हैं। प्लेन बनाना या मीटिंग करेंगे ना, उसमें बनाना बहुत अच्छा। दिल्ली वाले यूथ, आप भी सोचो, आप भी प्लेन बनाना सुनाना शुरू करो और दिल्ली वाले भी प्लेन बनाना शुरू करें। कमाल करके दिखाना, विजय तो आपकी है ही। अच्छा, अहमदाबाद से ट्रेनिंग की कुमारियां आई हैं। कुमारियां क्या सोच रही हैं? कुमारियां तो बहुत लकी हैं, सरेंडर हुई और दीदी कहलाई। और देखो कितना भाग्य है जो टीचर बनने में बाप दादा के मुरली सुनाने का तख्त मिलता है, गुरु की गद्दी मिलती है। बाप दादा टीचर्स को कहते ही हैं गुरु भाई हैं, तो ऐसे बनेगी ना। अभी ट्रेनिंग कर रही हैं या पूरी कर ली? पूरी हो गई, अभी सेंटर्स पर रहती हैं। मुबारक हो। देखो ऐसी टीचर बनना जो सभी कहें टीचर है, तो यह निस्वार्थ सेवा तारी टीचर। टीचर्स तो बहुत हैं, लेकिन आप ऐसी टीचर बनना, निस्वार्थ सेवाधारी, निर्माण और निर्मल चित्त, ऐसी बनेगी ना। उमंग अच्छा है, उमंग भी है, उल्लास भी है। संकल्प होंगे नहीं लेकिन हुए पड़े हैं। अच्छा, अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत हैं, शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई, हम भी एक मिनट के लिए ऐसे ड्रिल करते हैं। शांत होकर बाप दादा से किरणें लेकर सभी दुखी और अशांत भयभीत आत्माओं को किरणें फैलाते हैं। अच्छा, चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न याद प्यार और समाचार के पत्र और ईमेल बाप के पास पहुंच गए हैं। हर एक कहता है मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना। बाप दादा कहते हैं हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई है। दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तक नसीन हैं। तो आप सबको जिन्होंने भी कहा है ना याद देना, याद देना, तो बाबा के पास पहुंच गई। यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान फोटो में कोई विशेष आत्माओं को सदा सम्मान में रहने वाले, सम्मान देने वाले सर्विसेबल बच्चों को सदा स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप आत्माओं को सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी ऐसा बनाने वाले बाप दादा को नमस्ते। बाबा दादी जी से बात कर रहे हैं। बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश हैं। क्यों खुश हैं? विशेष इस बात पर खुश हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप सभी को ऑर्डर करता था यह करना है, अभी करना है, ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। आप भी मेरे साथ हैं, वह तो है ही, निमित्त तो आप बने ना। तो ऐसे दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता है, इसलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है। तबीयत ठीक है, रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत कुछ भी नहीं है। कमाल है ना, गुजरात ने किया, बॉम्बे ने 1-1 लाख का प्रोग्राम किया, अभी पंजाब और मद्रास कर रहा है, यह कलकत्ता भी करेगा। दादा दादी निर्मल शांता से, आप सिर्फ बैठ जाना कुर्सी पर बस, और कुछ नहीं करना। आपके सब सहयोगी बनेंगे, सब आपे ही तैयारी कर लेंगे। बाबा जो बिठा देंगे,
बाबा के साथ आप भी बैठना, दोनों बैठना। अगली सीजन में बाप दादा का प्रोग्राम कैसे चलेगा? जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, बाबा का मिलना चलता रहेगा। अभी तो 1 साल की बात हो रही है, फिर अगले साल की बताएंगे। दादियों का मिलना देखकर सबकी दिल होती है, हम भी दादी होते तो मिलते ना, आप भी दादी बनेंगे। अभी बाप दादा ने प्लेन बनाया है, दिल में सभी अभी दिया नहीं है, तो जो सेवा के ब्रह्मा बाप के साकार समय के सेवा में आदि रत्न निकले हैं, उन्हों का संगठन पक्का करना है। कब करेंगे? जब आप करो, यह ड्यूटी आपकी दादी जानकी की है, आपके दिल का संकल्प भी है ना, क्योंकि जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का है। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सेवा तो बढ़नी ही है, तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का याद प्यार है, 5 पांडव 5 हैं, लेकिन संगठन की निशानी है। अच्छा, अभी जो साकार ब्रह्मा के होते हुए सेवा के लिए सेंटर पर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, वह उठो, भाई भी हैं, पांडवों के बिना थोड़े ही गति है, यहाँ तो थोड़े हैं लेकिन और भी हैं। संगठन को जमा करने की जिम्मेवारी इनकी दादी जानकी की है, यह दादी तो बैक बोन है, बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं। अच्छा, सब ठीक है, कुछ भी करते रहते हो, लेकिन आपके संगठन की महानता है, किला मजबूत है। अच्छा, सभी बच्चों से मिलन मनाने के पश्चात बाप दादा के साथ बच्चों ने होली खेली, खूब गुलाबबाजी एक दूसरे पर डाली। बाद में बाप दादा ने सभी बच्चों को होली उत्सव की याद दी। चारों ओर के होली बच्चे परमात्मा के संग संग का होली का उत्सव मना रहे हो, उमंग और उत्साह है, और साथ ही इसी उत्सव में उत्साह में रहना तो हर दिन उत्सव हो जाएगा। उत्साह में रहना अर्थात उत्सव मनाना, तो सभी उत्साह में है ना, तो होली है और आप होली मना रहे हैं। सदा इस परमात्म संग के रंग की होली में रहना। अच्छा, सभी को होली की, होली उत्सव की मुबारक। ओम शांति। थैंक यू बाबा। अभी सभी 1 मिनट बाप दादा की याद में रहेंगे, और आगे दीदी और भाई जी जैसे बताएंगे उस हिसाब से अपने पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। अभी हम सभी आज की मुरली से जो मुख्य बातें हमने धारण की है वन बाय वन शेयर करेंगे। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने 2003 की अव्यक्त वाणी है
लेकिन जो बाबा ने इसमें सेवा का तरीका बताया वो आज भी परफेक्टली उसी तरह से इम्प्लीमेंट होता है। सो बाबा ने कहा कि सेवा में ऐसे इन्वेंशन निकालो जो शॉर्टकट हो, क्योंकि आजकल के समय अनुसार लोगों को सबसे बड़ी समस्या समय निकालने की है। तो कोई ऐसा प्लान बनाओ, चाहे वृत्ति हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे वाइब्रेशन हो, थोड़े समय में वह समझ जाए कि यहाँ से कुछ मिल सकता है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनको कम से कम संदेश देते रहो। बिजनेसमैन वह अच्छा है जो कोई भी ग्राहक सौदे के बिना वापस ना नहीं भेजे। तो आप भगवान से सौदा नहीं कराते हो? बिजनेसमैन बहुत ही आत्माओं को सहयोगी बना सकते हैं और सहयोगी धीरे धीरे योगी भी बन जाएंगे। ओम शांति। बाबा ने जो सेवा का नया इन्वेंशन बिजनेस वाले को एक बहुत अच्छा तरीका बताया है। क्या बताया है, कोई बस शेयर करेगा? कार्ड छपाओ, सुंदर सुंदर उस पर स्लोगन लिखवाओ बाबा के। हाँ, कार्ड, कौन से कार्ड की बात कर रहे हैं? मैं समझता हूँ बाबा विजिटिंग कार्ड की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिजनेसमैन जो विजिटिंग कार्ड छपाते हैं जिसमें उनका बिजनेस का डिस्क्रिप्शन होता है, बाबा ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे सबने अपना अपना कार्ड छपाया है, तो फिर और वो उसके अंदर ही बाबा ने बताया ऐसा कार्ड छपाओ कि जो वेस्ट पेपर बॉक्स में नहीं बेचे। तो ऐसा सुंदर कार्ड छपाओ और तो जाके जो पढ़े और इजीली बाबा का ज्ञान भी मिल जाए उसके अंदर। ऐसा हम भी सोच सकते हैं, हम हो सकता हम सभी बिजनेस में नहीं हो, लेकिन जो भी क्षेत्र में है ऐसी क्या चीज हमारे एक्सचेंजेस में हो जो हम उन्हें देते हैं उसके अंदर बाबा का भी संदेश चले जाए या कुछ ना कुछ स्लोगन चले जाए। जैसे मान लीजिए आजकल कोई आईटी के अंदर काफी लोग होते हैं, तो हम ईमेल के अंदर हमारे सिग्नेचर के अंदर भी एक छोटा सा स्लोगन डाल सकते हैं। एग्जाम्पल है, ओम शांति भाई जी मैंने एक बन लिफाफे छपवाते हैं उसमें पैक करके देते हैं, उनको एक स्लोगन लिखवा दिया था सबको, मतलब इकट्ठे स्लोगन छपवा, आजकल कपड़े वाले बनते हैं उनके ऊपर नीचे स्लोगन लिखवा दे बाबा को आत्मा परमात्मा का ज्ञान। हाँ, ये भी अच्छी युक्ति है। ओम शांति भाई जी, थैंक यू। ओम शांति। एक बार ना पीछे यहाँ दिल्ली में मेगा प्रोग्राम हुए और उसमें ना लड्डू की टोली थी और उसके ना जैसे होते ना चार और दो छह साइड में एक एक स्लोगन थे। वो तो लड्डू जो शायद एक घंटे में खा लिया होगा, पर वो ऐसे इतने सुंदर थे जिसको भी वो मिले ना उन्हें महीनों महीनों तक संभाल कर रखे। बाबा का इतना सुंदर वो संदेश मेरे को याद आ गया। बाकी थैंक यू कार्ड, वेलकम कार्ड, ये दूसरे भी किसी को हम सर्व करते हैं तो बहुत बड़ी सेवा करते हैं। जी और क्या कहा बाबा ने बिजनेस वालों से? एक बात बाबा ने बताया है, उल्हाना तो नहीं देंगे कि हम ग्राहक बनकर आपके पास आए, हमको संदेश भी नहीं दिया। तो ग्राहक मतलब नॉट नेसेसरी बिजनेस वाले, बट हमारे भी संबंध संपर्क में जो आते हैं, जरूरी नहीं हम सबको बाबा का ज्ञान डायरेक्टली दे पाए, लेकिन कुछ ना कुछ हम जरूर दे दें। इसके लिए बाबा ने फिर आगे बताया है दृष्टि, वृत्ति, मनसा। तो कोई भी हमारे संपर्क में से खाली हाथ ना जाए, पहले हमें भूलने का चांस नहीं मिले, लेकिन एक वृत्ति जरूर उनके प्रति रहे कि बाबा का ये बच्चा बाबा के पास आ जाए, ये भी अपना भाग्य बना ले। तो एक अच्छी चेकिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे से भी मिस हो जाता है। कई लोग संबंध संपर्क में आते हैं, हम बाहर भी जाते हैं, कभी कभी स्थूल रूप से पापा ज्ञान देना होता भी नहीं है, लेकिन कुछ किसी न किसी का तरीका हमें निकालना चाहिए, इन्वेंशन निकालनी चाहिए, जिससे हमारा भी समय इतना वेस्ट नहीं हो, वो आत्मा का भी समय वेस्ट नहीं हो और बाबा की सेवा भी हो जाए। जी ओम शांति भैया जी।
वाइब्रेशन का जो बताते हैं कि ज्ञान सूर्य की स्थिति में स्थित होकर चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैला, तो यहाँ पे शक्तियों की जो किरणें वाइब्रेशन द्वारा जो मनसा द्वारा ही फैला सकते हैं। एक बार मम्मा के कुछ वाक्य थे 71 वाली मुरली में 30-5-71 की, जैसे मम्मा ने बताया था, जैसे आप मनसा शक्ति के आधार से प्रकृति का परिवर्तन का कल्याण करते हो तो आकाश अथवा वायुमंडल आदि को समीप जाकर तो नहीं बोलेंगे। जैसे विश्व की अन्य आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेगी, उनको दूर रहते आप अपनी रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व बाप का मुख्य संदेश वह मन स्व द्वारा भी उनकी बुद्धि में टच कर सकते हो। यह वाइब्रेशन जो मनसा द्वारा जो हम कर सकते हैं इसको, तो टचिंग तभी होगी जब हमारी भी वो बुद्धि बनी हुई रहेगी, उस रूहानियत से भरी हुई रहेगी। ओम शांति। बाबा ने स्पोर्ट्स विंग के लिए क्या कहा? ओम शांति। आज बाबा ने स्पोर्ट विंग में भाषण तो सभी ने बहुत सुने हैं ना, लेकिन ऐसी कोई नई चीज निकालो जो न चाहते हुए भी लोग आवे और आपके भाई बहन बन जावे। ओम शांति। ओम शांति। आज स्पोर्ट्स विंग के लिए बाबा ने कहा कि कोई ऐसा इन्वेंशन निकालो कि जिससे खेल का खेल हो और उस खेल के खेल में हम ज्ञान भी दे पाए। So, इस तरह के इन्वेंशन बाबा ने करने के लिए बोला। इसके ये मुरली का बेसिस लेकर हमने स्पार्कलिंग में एक प्रोजेक्ट लिया था, खेल खेल में योग। उसमें कुल मिला के 40 गेम्स बनाए हैं। तो हमारे विशेष उस समय महाराष्ट्र के जो स्पार्क कोऑर्डिनेटर थे आदरणीय मराठे भाई जी, उनका ये अच्छा संकल्प था और बहुत सारे उन्होंने गेम्स बनाए, जैसे रूहानी बैडमिंटन या वैल्यू बेस्ड कुछ गेम्स हमने पुणे में हमें उन्होंने सिखाए भी थे। इसका बहुत अच्छा संकलन मधुबन लिटरेचर विभाग में मिल जाएगा, लिटरेचर विभाग ने शायद स्पार्कविंग के ऑफिस में मिलेगा। तो आप कभी वहाँ पर जाते हो तो वो संकलन ज़रूर ले सकते हैं। उसमें छोटे छोटे गेम्स है, बहुत सारे गेम्स हम बीकेस के साथ, बहुत सारे नॉन बीकेस के साथ भी खिला सकते हैं। और उन गेम्स के पीछे भाव यही है कि या तो वैल्यूज आ जाती है या बाबा की याद आ जाती है या मुरली की कुछ पॉइंट आ जाती है। तो कहने के लिए तो गेम है, लेकिन उस गेम में बाबा की याद भी आ जाती है, ज्ञान भी समा जाता है। और भी कई प्रकार के ट्रेनिंग्स करते रहते हैं, जैसे अभी हम लोग पुणे में शायद अगले इसी मास में एंड में एक ट्रेनर प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जिसमें गेम्स के द्वारा हम कैसे लोगों को अंदर लोगों ज्ञान बाबा का दे या और नज़दीक ला गए, क्योंकि ये बहुत अच्छा माध्यम बन जाता है, विशेष बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। बच्चों को ज्ञान वगैरह नहीं समझ में आता इतना। तो ये आज हमने मुरली पढ़ी है कि पहले कभी चांस नहीं मिला, इसमें बाबा ने बहुत स्पेसिफिकली बताया है कि खेल कूद वाले भी इन्वेंशन निकालो। आप में से कोई है स्पोर्ट्स विंग से जुड़ा हुआ इस ग्रुप में? ओम शांति। हाँ, मैं स्पोर्ट्स विंग से नहीं जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे याद है तब तक फॉरेन के एक भाई है उसके बाबा बात कर रहे है कि उसने सांप सीढ़ी की गेम निकाली थी और जिसमें ज्ञान के शब्द लिखे है, और वो गेम अभी आज भी मधुबन में मिलती है। ओम शांति। हाँ, जो सांप काटता है वो बेसिकली अवगुण पे स्क्वायर पे होता है शायद, और सीढ़ियों की स्क्वायर होती है उसमें कुछ ना कुछ गुण लिखा हुआ है। ऐसे ही है जैसे देव मान किया और एकदम नीचे आ गए, इस तरीके से यार देखी हुई है वही मैंने। ओम शांति। ओम शांति। जी जी। जैसे ये कम्युनिटी में काम करते हुए हमने ये गेम्स वहाँ की हुई हैं, बहुत की हुई हैं। ये है एक
ब्रोकन स्क्वेयर गेम है, बहुत सुना होगा ये, काफी यूज होते हैं ये। उसमें सिर्फ कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ पेपर फोल्ड करके स्क्वेयर्स बनाने होते हैं, पेपर के एक एनवेलप में रखो, और ये जैसे मेले में स्टॉल्स लगती हैं, जैसे इसमें कहा भी है बाबा ने कि जो मेले में पहले मेले लगाते थे, वंडरफुल चीजें, तो मेले में जैसे स्टॉल में आए तो मान लो हमने किसी के साथ मेज लर्निंग या ऐसे ब्रोकन स्क्वेयर गेम किया, तो उसमें ये होता है कि चार लोग पार्टिसिपेंट्स होते हैं और वो एक ही एक अपना अपना स्क्वेयर बनाएंगे, देन दे हैव टू मेक अ बिगर स्क्वेयर, बस इसका यही होता है। और ये इतनी बढ़िया गेम है कि इट्स वेरी यूजफुल इन कम्युनिटी टू डू दिस, ये प्ले वे भी है और इसके इसके ऊपर फुल फ्लेज 45 मिनट्स का लेक्चर बनता है आराम से। तो इसको कहते हैं ब्रोकन स्क्वेयर गेम। एक है ज्वाइन नाइन डॉट्स, ऐसे वाले छोटे छोटे गेम्स हैं जो कि मतलब आइस ब्रेकिंग कह सकते हैं हम, आइस ब्रेकिंग गेम्स हैं, किसी के साथ शुरुआत में करनी हो ज्ञान की तो ये यूज किए जा सकते। थैंक यू। ओम शांति। मेरा घर का अनुभव है, मैं बच्चे के साथ खेलती हूँ तो कभी कभी बच्चे बाबा बनते हैं, मैं बच्चे बनती हूँ और मैं कभी बाबा बनते हो बच्चे बनते हैं, ऐसा खेल चालू रहता है। ओम शांति। वो खुशी लेती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। एक बार ओआरसी में खिलाया था जिसे हम तंबोला खेलते हैं, तो उसमें उन्होंने सारे वैल्यूज गुण रख दिए थे और नंबर्स के साथ, तो जो नंबर वो निकालते थे आपकी स्लिप मतलब स्लिप्स जो बनी हुई थी उनमें गुण लिखे हुए थे, तो वो वहां से नंबर निकालते थे, उसका गुण देख के वो अनाउंस करते थे, फिर जिसके में है वो कट करता था, तो बहुत अच्छी लगी उसको। हमने फिर अपने सेंटर पे हमने देखा, गूगल किया, तो हमें वो 1990 वो मिल गए, तो हमने उसकी बनाई स्लिप्स और अपने सेंटर पे खेला, तो हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि हमारे पास जो स्लिप थी ना उसमें वही गुण थे जो हमारे अंदर है, तो ये बड़ा वंडर लगा था कि वाह ये क्या बात है कि मतलब जो क्वालिटीज जिसके अंदर जो क्वालिटीज है ना उसकी स्लिप में वही आई हुई थी, तो ये भी अच्छा एक मतलब रहा गेम। थैंक यू। बहुत अच्छा है ऐसे क्रिएटिव आइडियाज, हम सभी अपने अपने स्थानों पर कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कभी कभी संडे भाई बहने फ्री रहते हैं तो मुरली क्लास के बाद में, या कभी कोई बर्थडे का अवसर है तो ऐसा छोटा सा प्रयोग करके देख सकते हैं हम अपने अपने स्थानों पर, और जनरली सभी अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक गेम ये भी खेलते थे, अभी जस्ट बातें चल रही इसलिए बता रहे हैं, कि चिट्स बना देते हैं 84 जन्मों की और रैंडमली किसी को भी बोलते हैं वो चिट उठाओ, और जो जन्म उसके अंदर आता है उस जन्म में हमारी अवस्था कैसी रहेंगी वो बताना। तो मान लीजिए किसका 7 नंबर आया, 7 नंबर हमारा जन्म कहाँ रहेगा उस टाइम पे, अवस्था कैसी हो सीढ़ी में, या फिर हमारा 65 आया एग्जाम्पल तो कैसा है, तो उससे क्या होता है कि पूरा जैसे बाबा बोलते हैं ना सीढ़ी याद करो या हमारे 5 स्वरूप याद करो, तो अलग अलग फॉर्म से वो याद आ जाता है, और इसमें किसी को रिपीट नहीं करना है, नई नई बातें बतानी, क्योंकि बाबा तो बहुत सारे बात बताते हैं हमारी अवस्था के ऊपर। तो ये भी एक जैसे ब्राह्मणों के अंदर छोटा सा गेम है, तो खैर वैसे तो बहुत है कभी इस पर एक सेशन कर सकते हैं तो बहुत आइडियाज आएंगे। तो और पापा ने क्या बोला नेक्स्ट एजुकेशन विंग, और मैं समझता हूँ विदेश की आत्माओं से ही पापा मिले, उन्हें क्या मुख्य बातें बताई पापा ने।
ओम शांति। विदेशियों से बात करते हुए प्यारे बाप दादा ने कहा कि सेवा का वापस एक तरीका बताया कि चुंबक जैसी सेवा का प्लान बनाओ। जैसे चुंबक से कोई हटने चाहते हैं तो भी नहीं हटते हैं, दूर से ही समीप आ सकते हैं, ऐसे नया प्लान बनाओ। सो बेसिकली इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऐसा है कि प्लान हमारे ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला उसमें टोटली इन्वॉल्व हो जाए, उसको वो सेवा जो है वो बोर ना हो। तो इसीलिए उसमें उसके लिए बाबा ने चुंबक चुंबक का एग्जांपल दिया। ओम शांति। ओम शांति। इसी में बाबा ने कहा कि ऐसा कोई प्लान बनाओ, चाहे आपकी वृत्ति हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे वाइब्रेशन हो, थोड़े समय में ही वे समझ जाएं कि यहाँ से कुछ मिल सकता है। चुंबक जैसी सेवा का प्लान बनाओ कि वो एकदम से आकर्षित हो कि यहाँ से शांति मिल रही है, यहाँ से शक्ति मिल रही है, कुछ अच्छा लग रहा है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने ऐसे कहा कि अपना स्वरूप ज्वाला स्वरूप बनाओ, तब आपके स्वरूप से भी सेवा होगी, क्योंकि ज्वाला स्वरूप के वाइब्रेशन प्रकंपन फैलते हैं तो इससे ही आत्माएं खींची चली आती है। तो बाबा ने जो कहा वृत्ति वाइब्रेशंस, तो वृत्ति दृष्टि द्वारा सभी आत्माएं हमारे ज्वाला स्वरूप से भी खींची चली आएगी। तो हमें स्व में ज्वाला स्वरूप भी लाना है और सेवा का जो स्वरूप है उसको भी ज्वाला स्वरूप, संगठन में रह के ज्वाला स्वरूप योग भट्टी करनी है। ओम शांति। पांच पांडवों को बार बार याद किया है। पांच पांडवों को कहने के साथ बाबा ने संगठन शक्ति को, संगठन शक्ति पर ज्यादा जोर दिया और बाबा ने कहा कि अगर अब पांच पांडवों ने मिलकर अक्षौणी सेना को खत्म कर दिया तो ये जो भी के पांडव है ये भी कम नहीं है। बाबा बता रहे हैं कि आप लोग भी संगठन में रहकर एकाग्रता के साथ अगर कोशिश करोगे तो आप भी कमाल कर सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने ये भी कहा है कि चारों ओर के होली बच्चे परमात्मा के संग संग का होली का उत्सव मना रहे हो, उमंग और उत्साह में रहना तो हर दिन उत्सव हो जाएगा। उत्सव उत्सव में रहना अर्थात उत्सव मनाना, सदा इस परमात्म संग के रंग की होली में रहना। ओम शांति। बाबा ने इस मुरली में दिल्ली वालों के लिए खास एक उलाना बताया है कि अभी दिल्ली वाले ने युद्ध के प्रोग्राम का प्लान नहीं बनाया है। तो इसी पे मुझे याद आया अभी कि इस वर्ष दिल्ली में विशेष बहुत अच्छा युद्ध का एक प्रोग्राम हुआ, डिजाइन माय डेस्टिनी। आप में से शायद कुछ उसके अंदर पार्टिसिपेट भी होके, तो ये जनवरी में किया था जब सेकेंड लॉकडाउन का वेव आने के पूर्व हुआ। तो 10-15 दिन के छोटे से ड्यूरेशन में लगभग 70 कॉलेजेस से भी अधिक जगह पर अप्रोच करके इस विषय के अंतर्गत बहुत अच्छे सेशंस हुए, डिजाइन योर डेस्टिनी। तो युद्ध का एक बहुत अच्छा यूनिक प्रोग्राम बना और अभी इसी को इतना अच्छा सक्सेस रिजल्ट रहा है इसका कि अभी डिसाइड किया है कि ऑल ओवर इंडिया, मतलब नेशन वाइड में इसी प्रोजेक्ट को थोड़े बड़े रूप से करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा युद्ध बाबा के जो बच्चे हैं उनकी सेवा हो सके। और ये जो टॉपिक रखा है डिजाइन योर डेस्टिनी, ये भी ऐसा है कि किसी को भी अच्छा लगता है टॉपिक, माना कोई भी चाहता है कि हमारा भविष्य का निर्माण हम कैसे करें, वो जाने की इच्छा रखता है। तो ये बहुत अच्छी सेवा अभी युद्ध से हो रही है, विशेष रूप से थोड़ी आउटलाइन बताएंगे भाई साहब। आउटलाइन अभी बन रहा है, 15 दिसंबर को अभी लॉन्च करेंगे वो प्रोजेक्ट, मतलब वो आउटलाइन फाइनल होगी। तो 2022 का यूथ विंग का एक थीम ये होगा, वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स ये हो गया डिजाइन योर डेस्टिनी। बाकी अगर कोई यूथ विंग से जुड़ा है, मतलब दिल्ली वाले अगर कोई है इस ग्रुप में, तो आप बता सकते हैं कि कैसे आपने किया था ये प्रोजेक्ट। तो विशेष रूप से इसमें, चलो हम बता देते हैं, विशेष रूप में इसमें कॉलेजेस आइडेंटिफाई किए थे जो, और इस कॉलेजेस के साथ कई कई संस्थाएं भी आइडेंटिफाई किए जो अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूशन थे, DRDO
और IIM और AIEEE, तो उस प्रकार के संस्थाओं से भी हमें निमंत्रण मिला। तो इसमें बेसिकली कुछ वैल्यू कार्ड्स बनाए थे जो हर पार्टिसिपेंट्स को देते थे, एक प्लेज था और साथ ही साथ एक टॉपिक होता था जो कीनोट स्पीच होता था, डिजाइन योर डेस्टिनी, और उसके साथ साथ एक युवा भी होता था, बीके युवा, जो अपना अनुभव सुनाता था 5-10 मिनट में कि उसने अपना भविष्य का निर्माण कैसे किया, राज्यों के आधार से कैसे उसने अपना भविष्य को निखारा है, ये कैसे उसको प्राप्ति हुई। तो ऐसे इन ऑल ऐसे 1 से 1.5 घंटे का पैकेज होता था प्रोग्राम का। तो इसमें इतनी सारी चीज़ें थी कि सबको बहुत अच्छा लगता था ये प्रोग्राम, जहाँ पर भी प्रोग्राम हुआ 70 जगह पर। ठीक है, अभी थोड़ा समय भी हो रहा है तो हम यहीं पे पॉज करते हैं। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे चीजें आज मुरली में हमारा ध्यान खिंचाया है, सेवा का एस्पेक्ट पे भी बताया है, स्वस्थिति पे भी बताया है, कुछ ना कुछ हम जरूर आज की मुरली से इम्प्लीमेंट करें। तो आशा बहन जी आप कॉमेंट्री कराए और हमें होमवर्क भी दे दें। आज पापा ने होमवर्क के लिए जो कहा है तो हम होमवर्क के रूप में इस तरह से सभी तो कुछ सबका नहीं है, लेकिन जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य के हिसाब से हम कैसे अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं को संदेश दे सकते हैं इसका हम प्लान बना सकते हैं। जैसे मैं टीचर हूँ तो टीचर बच्चों के साथ में गार्जियन से भी कुछ मुलाकात होती है, तो उस गार्जियन से बातों बातों में मैं बाबा का परिचय देती हूँ और बच्चों के जरिए भी थोड़े थोड़े बच्चों को भी बाबा के परिचय देने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरह से सभी भाई बहने इस तरह से कोशिश कर सकते हैं। आवाज जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है अभी? आशा बहन जी आप कमेंट्री कराए, कमेंट्री कराए क्लोज करेंगे फिर। अच्छा ठीक है भाई, ओम शांति। सभी अपने भृगुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाएं और यहाँ से हम चलते हैं आप दादा के पास सूक्ष्म वतन में। आप दादा देखकर बहुत खुश हुए और दोनों बाहें फैलाकर उन्होंने स्वागत किया। बाबा ने बाहों में भर लिया, बहुत पावरफुल दृष्टि थी। दृष्टि के साथ उन्होंने शक्ति भी भरी। और कहा, बच्चे जितने भी प्लेन आपने देखे हैं सहयोग देना, शक्तियों का, दृढ़ता का, इसे अपने में जमा करो और सभी आत्माओं को इसे देने की कोशिश करो। तो जो आत्माएं अभी बाबा के पास नहीं पहुंची हैं उनका उलाना नहीं आ पाएगा फिर, नहीं तो सभी उलाना देंगे कि हम आपके पास आए थे और फिर भी आपने हमें बताया नहीं बाबा आ गया है। बाबा पावरफुल दृष्टि देते जा रहे थे, जैसे ऐसे लग रहा था कि एकदम वो मन गुस्सा से भर गई। मैंने कहा, जी बाबा हम आपके सगे बच्चे बनकर दिखाएंगे और आपके कार्य में सहयोग का जो बीड़ा उठाया है आपके साथ से, आपके कंबाइंड रूप से हम इसको पूरा करेंगे। इसके बाद बाबा के साथ हम भृगुटी सिंहासन पर आ गए। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू दीदी। हम सभी फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट मुरली के साथ। गुड डे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया भैया, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।